हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सीएलसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, लगभग 10 लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड, जिसमें पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इंट्रोडक्शन मैंने बताया था किस तरीके से हमारी बॉडी में टॉक्सिक हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसे बाहर निकाला जाए, और उसके लिए हमें इनडायरेक्टली ऑक्सीजन को कंज्यूम करके एटीपी जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बात की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंगों के बारे में बात की थी, आवास और संगठन के स्तर के आधार पर। उसके बाद मैंने बात की थी ब्रीथिंग मैकेनिज्म या संवातन की क्रिया विधि क्या है, उसमें सामान्य अंतःश्वसन, सामान्य बाह्य श्वसन और बलपूर्वक बाह्य श्वसन के बारे में बात की थी, विभिन्न प्रकार की पेशी जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके बारे में। इसके साथ साथ हमने थोरेसिक केज या विकसित पिंजरा की बात की। उसके बाद हमने बात की एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसों का आदान प्रदान या विनिमय कैसे हो हमारे शरीर में दो जगह पर, एक कोपिका और ब्लड के बीच में और एक ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो उस गैसों के आदान प्रदान के बारे में बातें कर रहे थे। गैसों के आदान प्रदान में मैंने एक टेबल भी बताई थी कि गैसों का आदान प्रदान के लिए या डिफ्यूजन रेट जरूरी है, डिफ्यूजन रेट किन किन बातों पर निर्भर करती है वो मैंने बताया था आपको, कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, किसी भी झिल्ली की मोटाई, या सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसों की विलेयता, या कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर या किसी भी प्रकार की जो गैस है उसका आंशिक दाब, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने एक टेबल बनाई थी कि डिफरेंट रीजन में, एटमॉस्फेयर में क्या, एल्यूलाई में क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या, टिश्यू में क्या, ये सभी अलग अलग पार्शियल प्रेशर की टेबल बनाई, और उसमें बताया था कि CO2 धीरे धीरे बाहर की तरफ और O2 धीरे धीरे हमारे सेल की तरफ मूव करती है। उसके बाद मैंने बातें की ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। हमारे शरीर में दो मुख्य रूप से गैसेज हैं, एक गैस ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका परिवहन किस तरीके से होगा तो उसके तरीके बताए थे मैंने। ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से, प्लाज्मा की घुलित अवस्था में 3% और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97%। इसके बाद में जो बातें बताया वो बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% और 7% प्लाज्मा की घुलित अवस्था में, और इसके डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताए, और लीनियर रिएक्शंस के बारे में भी हमने बात की, क्या क्लोराइड शिफ्ट है, क्या रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है, क्या हेमबर्गर फिनोमिना है, इन सब के बारे में बातें कर रहे थे हम। क्लियर। उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन की भी बात की थी, 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। आज हम केवल क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं। याद रहे आपको क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सेकंड क्वेरीज क्या है, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड when O2 binds with
हीमोग्लोबिन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस responsible for more binding of CO2 with hemoglobin in tissue? Fourth, what is the percentage of CO2? What is the percentage of CO2 transported as bicarbonate ions? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिएक्शन फैसिलिटेटेड बाई एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म CO2 इज trapped at the tissue level? Next question hai, in which form O2 is trapped at the alveoli level? Next है, how much CO2 is delivered to the alveoli by every 100 ml of blood? Next question hai, how much O2 is delivered to the tissue by every 100 ml of blood? ये ब्लड कैसा है और ये ब्लड कैसा है? नेक्स्ट, write any two factor that are favorable for
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं इनका आंसर सभी को आपको नोट करना है। आई रिपीट ऑल द क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? ऑक्सीजन वियोजन वक्र क्या है? विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन? कौन सा कंपाउंड का निर्माण होगा जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है? व्हाट कंडीशंस द रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन इन टिश्यू? वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब CO2 की हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बंधुता होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में CO2 का कितना प्रतिशत भाग परिवहन होगा? राइट डाउन द रिएक्शन फैसिलिएटेड या फैसिलिटेटेड बाई एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा कौन सी रिएक्शन संभव हो पाती है वो रिएक्शन लिखनी है। इन विच फॉर्म CO2 इज ट्रैप्ड एट द टिश्यू लेवल? कौन से रूप में CO2 उत्तकों पर इकट्ठी की जाती है? इन विच फॉर्म O2 इज ट्रैप्ड एट द एल्यूलाई लेवल? कूपिका स्तर पर O2 किस रूप में ट्रैप की जाती है? हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड टू एल्यूलाई बाई एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वी ऑक्सीजनित रक्त 100 ml कितने कार्बन डाइऑक्साइड को एल्यूलाई पर वितरित करेगा? हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू बाई एवरी 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल पर डिलीवर करेगा? राइट एनी टू फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन के वियोजन के लिए कौन से दो कारक हैं वो लिखिए। ये सभी एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिसोसिएशन कर्व? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है? इस फॉर्म में देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा है तो आएगा सिग्मोइड शेप। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया? पार्शियल प्रेशर। वाई एक्सिस पर क्या लिया? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिशत संतृप्तता। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? शेप पूछी जाए तो एस या सिग्मोइड। कैसी रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब और उस ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से प्रतिशत संतृप्तता के बीच खींचा गया ग्राफ ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा? बेटा ये बनाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एक तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी पता होना चाहिए। रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगी। इस हीमोग्लोबिन को बायोमोलिक्यूल पे बेसिस पूछा जाए तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कौन कौन सी चेन होंगी? 2 अल्फा और 2 बीटा। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल यहां पर
बाइंड होंगे एक हीमोग्लोबिन से। और ये रिएक्शन कैसी है? ये एक ऑक्सीजनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नहीं है। तो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो हमने बता दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्लियर है यहां तक? तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट आर द कंडीशन रेस्पॉन्सिबल मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन टिश्यू? उत्तकों के स्तर पर CO2 कैसे बाइंड करते? तो टिश्यू लेवल पर कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन पार्शियल प्रेशर CO2 क्या है? ज्यादा। पार्शियल प्रेशर O2 क्या है? कम। टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। पीएच लेवल क्या है? कम। हाइड्रोजन आयन क्या है? मोर। ये कोई भी आप फैक्टर देख सकते हैं। पीओ टू लेवल कम है, सीओ टू लेवल ज्यादा है, तो सीओ टू ज्यादा बाइंड कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखें। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाई कार्बोनेट आयन? परसेंटेज पूछी, किसकी पूछी है? तो पता होना चाहिए 7%, 23% और 70%। 70% क्या है? बाई कार्बोनेट। 23% क्या है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप। और ये क्या है? डिजोल फॉर्म इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। कौन सा पूछा है? बाई कार्बोनेट। करेक्ट आंसर कितना परसेंट होगा? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मैंने आपको आंसर नहीं दिए, आपसे केवल पूछा जा रहा है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड हम सीख रहे हैं, किसी भी चीज को याद करके। दूसरा है राइट डाउन द रिएक्शन फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये CO2 है, ये H2O है, ये कंबाइन करेगा तो ये H2CO3 बनाएगा, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये आगे रिएक्शन H प्लस और HCO3 माइनस में डिग्रेड हो जाएगी। रिएक्शन वापस भी पॉसिबल होगी क्योंकि बाई डायरेक्शनल एंजाइम है। और ये रिएक्शन क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में चल रही है, और ये एंजाइम मेन फॉर्म में RBC में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच फॉर्म CO2, इन विच फॉर्म CO2 ट्रैप्ड एट टिश्यू लेवल? टिश्यू लेवल में कैसे कैसे ट्रैप होती है? CO2 की बात कर रहा है, CO2 की बात कर रहा है, तो प्लाज्मा की फॉर्म में, कैसी फॉर्म में? डिजोल्व घुलित अवस्था में। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में या फिर बाई कार्बोनेट की फॉर्म में? इन फॉर्म में ट्रैप होती है 7% इससे, 23% इससे और 70%। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, 6 क्वेश्चन में आपने CO2 पूछा था, 7 में क्या पूछ लिया उसने? O2 पूछ लिया। तो O2 को ट्रैप होने के एल्यूलाई रीजन पर दो ही तरीके हैं। एक तरीका 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, दूसरा 3% डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा की फॉर्म, प्लाज्मा की घुलित अवस्था के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड, कितनी CO2 डिलीवर की जाएगी, डिलीवर पूछा है, कहां पर, एल्यूलाई रीजन पर, कितना ml, 100 ml, तो मैंने बताया था 100 ml जो ब्लड है वो डिलीवर कितनी करके आएगा, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर क्या है 8, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच डिलीवर्ड एट द टिश्यू लेवल बाई एवरी 100 ml, तो 100 ml ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड है तो ये कितना देके आएगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना डिलीवर करके आया, 5, बदले में कितना लेके आया, 4 ml डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट और दसवा लास्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, एनी टू फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन इसका डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन के लिए हमारे पास PO2 कम होना चाहिए, PCO2 ज़्यादा होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, 2-3 BPG ज़्यादा होना चाहिए, pH लेवल कम होना चाहिए। ये जितने भी फैक्टर हैं दीज ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, लास्ट क्लास में बेटा 4 क्वेश्चन की बात की थी, आज मैंने 10 क्वेश्चन की और बात की है। अब हम दूसरे क्वेरीज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है, एक एक करके उनको भी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन देखें, What will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air as compared to those in the alveolar question kya diya gaya hai, what will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air as compared to those in the alveolar air, iska matlab PO2 और PCO2 का कंपेयर करना है एटमॉस्फेरिक एयर का एल्यूलर एयर से कंपेयर करना। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है PO2 लेसर PCO2 हायर, दूसरा ऑप्शन है PO2 higher PCO2 lesser, तीसरा है PO2 higher PCO2 higher, चौथा ऑप्शन है PO2 lesser
और PCO2 लेस। देखिए बेटा ध्यान से समझे ऐसे क्वेश्चन को भी, व्हाट विल बी द O2 एंड PCO2 एटमोस्फेरिक एयर, एटमोस्फेरिक एयर में बताना है, एल्यूलर एयर से। तो एटमोस्फेरिक एयर और दूसरी साइड में क्या है, एल्यूलर। एटमोस्फेरिक एयर में PO2 क्या होता है और PCO2 क्या होता है पता होना चाहिए, 159 और 0.3। एल्यूलाई में क्या है, 104 एंड, अब देखो एटमोस्फेरिक एयर में एल्यूलाई से कंपेरिजन किया गया, एटमोस्फेरिक एयर में तो O2 तो क्या है ज्यादा और यहां पर CO2 क्या है कम, एक हायर होना चाहिए दूसरा लेसर होना चाहिए, देन द करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन टू, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेरिक। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थ्री फोर। यहां पर PO2 दे रखा है या PCO2 दे रखा है, 159 0.3 104 40 45 95। किसने पूछा है, एटमोस्फेरिक एयर, एटमोस्फेरिक एयर में कंपैरिजन किया जाए तो PO2 और PCO2 एटमोस्फेरिक एयर में मैंने बताया था, एल्यूलाई में भी मैंने बताया था, एल्यूलाई में क्या है 104 और 40, ये कितना है 159 और 0.3। तो एटमोस्फेयर में पूछा है, करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। देखिए बेटा ये भी ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथीलियम ऑफ एल्यूलर
कैपिलरीज, एंड चौथा दे रखा है ऑल ऑफ। देखो जैसे कि ऑल ऑफ दिस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन ये हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो विषर्ण की झिल्ली है वो कौन कौन सी परतों से मिलकर बनी हुई है। मैंने आपको याद हो तो बताया था कि इसकी थिकनेस 0.2 mm है, जो लेस देन 1 mm है, और इसके अंदर स्क्वैमस एपिथीलियम भी होती है, बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है, एंडोथीलियल, तीनों के तीनों होती हैं। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्या बताना है? इनकरेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ, बेटा ध्यान रखें ये वर्ड याद नहीं आता है, तो हमेशा करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो। तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ट्वेंटी टू 25% CO2 इज पोर्टेड बाई RBC एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, 3% ऑक्सीजन इज कैरीड इन डिजोल फॉर्म इन प्लाज्मा एंड अबाउट 97% O2 ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन ब्लड। देखिए बेटा ये क्वेश्चन भी जल्दबाजी में हमें गलती नहीं करनी, 97% ट्रांसपोर्ट RBC ब्लड बिल्कुल सही है, 3% कैरी डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा ऑक्सीजन की बात कर रहा है ये भी सही है, 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये भी सही है, 70% नहीं ये गलत हो गया, प्लाज्मा में तो केवल 7% जाता है, 70% कब से जाने लग गए, इनकरेक्ट पूछा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 5। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से समझे बेटा इसको,
बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टेम्परेचर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ चार ऑप्शन दे रखे। देखो डिपेंड सभी पर करेगा लेकिन प्राइमरली यहां पर एक वर्ड दिया प्राइमरली किस पर डिपेंड करेगा फैक्टर तो सारे रेस्पॉन्सिबल हैं लेकिन प्राइमरली किस पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है। करेक्ट आंसर इज दिस वन। अभी तक हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आपको मुझे लगता है कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हीमोग्लोबिन ऑफ ए ह्यूमन फीटस। हीमोग्लोबिन ऑफ ए ह्यूमन फीटस हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है ह्यूमन फीटस। फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं हैज टू प्रोटीन सब यूनिट्स हैज टू प्रोटीन यूनिट्स इंस्टीड ऑफ फोर। ये ऑप्शन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की ह्यूमन फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो प्रोटीन यूनिट्स है चार की जगह पर नहीं। ह्यूमन बीइंग का यदि फीटस का हीमोग्लोबिन देखा जाए तो उसमें दो अल्फा और दो गामा इसका मतलब चार ही प्रेजेंट है ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज सेम एज अडल्ट। ये कह रहा है हीमोग्लोबिन फीटस और हीमोग्लोबिन एडल्ट इन दोनों की एफिनिटी जो है वो बराबर होगी नहीं। मैंने आपको बताया था इसकी ज्यादा होती ये भी गलत हो गया। हैज लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट से कम होगी ये कह रहा है इसकी कम नहीं ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट। हाँ बिल्कुल सही ये ऑप्शन सही है। याद हो तो मैंने आपको बताया था सिग्मोइड नेचर में इस तरीके से सिग्मोइड कर्व बताया था और दो बताए थे तो ये वाला क्या था एडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में क्या ये वाला था क्या एडल्ट नहीं। ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था फीटस को और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था एडल्ट। तो फीटस का कौन सा होगा ये वन और एडल्ट का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड मेनली एज, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड मेनली एज, कैसे कैसे? पहला दिया है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, डिजोल्व गैस इन प्लाज्मा। मेनली पूछा है, मेनली किस फॉर्म में जाता है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बता चुका हूं मैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच कंडीशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट राइट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, PO2 लेस, PCO2 हाई, हाई हाइड्रोजन आयन एंड ऑल ऑफ दीज। आपको पता है ये एक सिग्मोइड शेप में है और यदि इसे राइट में शिफ्ट करना है तो राइट शिफ्ट में PO2 कम होगा, सही है, CO2 ज़्यादा होगा, सही है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। फर्स्ट ऑप्शन 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है। सेकेंड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंसंट्रेशन RBC में ज्यादा है। हाई PCO2 एंड लो PO2 CO2 बाइंडिंग में हेल्प करते हैं।
and CO2 is carried in hemoglobin as carboxyhemoglobin. देखिए बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. 100 ml डिऑक्सीनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है, सही है. कार्बोनिक एनहाइड्रेज की कंसंट्रेशन आरबीसी में ज़्यादा होती है, सही है. हाई पी सी ओ टू लो पी ओ टू सी ओ टू बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, सही है. ये गलत है. सी ओ टू हीमोग्लोबिन में कार्बोक्सी नहीं बनाता है, ये गलत हो गया. ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. फेवरेबल फेवरेबल फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ए बी सी एंड डी और फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है सी एंड डी, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ए एंड बी. ए ओनली. थर्ड ऑप्शन में दे रखा है बी एंड सी. डी ऑप्शन में यहाँ पर है हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉमा हाई टेम्परेचर. सी में दे रखा है लो पी ओ टू एंड हाई सी ओ टू. बी में दे रखा है लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर हाई पी ओ टू लो पी सी ओ टू. आपसे ये पूछा गया है, ध्यान से समझे बेटा ये क्वेश्चन. फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. आप जरा ये देखें, क्या हाई पी ओ टू फेवरेबल है? तो हम कह सकते हैं फेवरेबल है. लो पी सी ओ टू ये भी फेवरेबल है. हाँ, फॉर्मेशन के लिए ये कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. दूसरा है लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर, ये भी सही है, ये भी सही. ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए PO2 ये गलत हो गया. हायर टेम्परेचर नहीं, ये डिसोसिएशन के लिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. करेक्ट कौन कौन से हैं? ए एंड बी. ए ओनली ये भी सही. ए एंड बी ये मोर करेक्ट है देन द करेक्ट आंसर इज. तो आज जो मैंने आपसे सभी से जो डिस्कस किए हैं, लास्ट क्लास में भी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस किए और वन वर्ड टाइप के आंसर भी मैंने आपसे डिस्कस किए. तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को यदि रिवाइज कर लिया है तो टॉपिक धीरे धीरे अपने आप रिवाइज हो जाएगा.
होपफुली सभी क्वेरीज जो मैंने डिस्कस किए ये सारे आपको क्लियर हुए होंगे, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम आगे हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में और डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।